आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य इन्फोटेक पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना रेलवे का जो टिकट है उसको आप चेक कर सकते हैं, कंफर्म हुआ या नहीं। वेटिंग लिस्ट वाले जितने भी टिकट होते हैं कंफर्म हुए या नहीं, उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आपने लिखना है IRCTC। लिखते ही आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने सबसे पहला लिंक ओपन होता है, आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आता है, तो आपने यहाँ से सिंपल से आपने इसको ओके कर देना है और इसको लॉगिन आपने यहाँ से कर लेना है। इसको डेस्कटॉप साइट पर आप ले जा सकते हैं। जैसे डेस्कटॉप साइट पर गई तो आपने इसको यहाँ से ओके किया और यहाँ से आपने लॉगिन कर लेना है। इसमें अपनी आईडी और पासवर्ड डाल के आपने इसमें लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं भी लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपने ये कैप्चा फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपने सिंपल से यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करना है, साइन इन पे। तो आप साइन इन अपनी आईडी पे हो जाएंगे। तो इसके बाद से आपने यहाँ से अगर आपको पीएनआर नंबर मालूम है तो आप सीधे पीएनआर नंबर डालिए, अगर नहीं मालूम है तो आपने सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने नीचे आना है अकाउंट पे। अकाउंट पे आपने माय प्रोफाइल पे क्लिक करनी है। माय प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने माय अकाउंट पर क्लिक करना है, माय ट्रांजेक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने लास्ट ट्रांजेक्शन डिटेल पर क्लिक कर लेना है। लास्ट ट्रांजेक्शन डिटेल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो आपने आपने जो टिकट बुक की होगी उसकी पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी और उसके सामने आपका नीचे आएगा पीएनआर नंबर। पीएनआर नंबर आपने यहाँ से सिंपल से कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लीजिए या नोट कर लीजिए। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। तो सिंपल से उसके बाद से आपने चले जाना है चेक डिटेल पे। आपने यहाँ से ओपन किया, यहाँ से आपने किया ट्रेन्स। ट्रेन्स में जाने के बाद आपके सामने आता है पीएनआर इंक्वायरी। आपने पीएनआर इंक्वायरी पर क्लिक करना है। उसके बाद से आपने यहाँ पर जो भी आपने कॉपी किया था आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने गेट स्टेटस पर क्लिक करना है। जैसे आप गेट स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पीएनआर स्टेटस डिटेल पूरी आ जाएगी, कहाँ से कहाँ तक की ट्रेन है, कितने बजे की ट्रेन है, कब की ट्रेन है आपकी, ये सब आ जाएगी। और आपके सामने यहाँ पर आता है स्टेटस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं CNF लिखा है। CNF का मतलब होता है कन्फर्म। और अगर आपको इस टाइप से आते हैं जैसे CAN आता है तो कैंसिल, CNF होता है तो कन्फर्म, RAC होता है तो रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, इस टाइप से आपको यहाँ तक नीचे दिख जाएगी। अगर वहाँ पर इस टाइप से कुछ भी शॉर्टकट में लिखे रहते हैं तो आपको यहां से मिल जाएगा। तो ये टिकट जो है कंफर्म हो चुकी है। कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर मुझे बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को सेलेक्ट ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।